देश के किसी भी कोने में फंसे प्रवासी मजदूरों को लाने की जिम्मेदारी सरकार की है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से जुड़े केसों की सुनवाई के दौरान दिया था। झारखंड की सरकार पहल कर रही है, इसे लेकर काम कर रही है। इसी बीच एनसीआर के नोएडा में फंसे झारखंड के मजदूर रोजी रोटी की चिंता के बीच कोरोना को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं, वो राजधानी से सटे नोएडा की है, जहां झारखंड के कुछ प्रवासी मजदूर अपने ठेकेदारों के साथ मिलकर कोरोना संक्रमण के खिलाफ अपने परिवार वालों के साथ आस पड़ोस के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग कैसे दी जाती है, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने के क्या फायदे हैं, इन सब की जानकारी दी जा रही है और जागरूकता के लिए किट भी बांटे जा रहे हैं। जो सेफ्टी के लिए हम 5 मास्क, 1 सैनिटाइजर और 1 डेटॉल साबुन बांट रहे हैं कि कम से कम लोगों को ये पता लगे कि इसको यूज करना है। तक हर व्यक्ति देश का इसके खिलाफ जागरूक नहीं होगा, हर आदमी इसको सही तरह से, डरने वाली कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बस इसके प्रति हमें सावधान रहना है, जागरूक रहना है और इसी के तहत हम लोगों को सैनिटाइजर, डिटॉल साबुन, हैंड वॉश करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर इतने सारे टीवी विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें बहुत कुछ नहीं पता। यकीन नहीं है तो खुद सुन लीजिए। वो वायरस है, क्या सावधानी बरत रहे हैं? तो यही है कि थोड़ा एक दूसरे से दूर रहो, है ना, बार बार हाथ धोना और क्या, घर से बाहर नहीं निकलना। घर में ये बच्चों को बताती, इसका पालन कर रहे हाँ। झारखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सूबे में कोई भूखा ना मरे। लेह में महज 350 रुपए की दिहाड़ी कमाने के लिए झारखंडी जा रहे हैं, तो फिर सवाल है कि क्या आने वाले वक्त में कोरोना काल से सीख लेकर सत्ता अपना चरित्र बदलेगी? बदलाव कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना बाकी है। सबको इंतजार है कि कोई आफत के दौर में इस तरह कतार में ना लगे, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर दूसरों का हाथ बचाए। न्यूज 11 भारत के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।